Welcome to Maths is Easy. Hello friends, as there is always a need of help in calculating or solving mathematics questions on different levels, I am here for the same. Today in this video, I am going to start chapter compound interest of class 8, exercise 10.1. So if you guys want to see the solution of earlier chapters of class 8, publication house Goel Brothers, you can go by the playlist where all the solution videos are available. I have solved chapters like rational numbers, in exponents, square and square roots, cube and cube roots, playing with numbers, algebraic expressions, factorization of algebraic expressions, linear equations, percentage and its applications, surface area and volume, probability, direct and inverse variation. Moreover, I have solved many chapters of class 7 maths book of same publication house, that is Goel Brothers. The chapters name are integers, fractions, rational numbers, decimals, linear equations in one variable. So let's waste not further time. Check it out how to solve exercise 10.1, chapter name, compound interest. So question number one says, Mrs. Sharma deposited rupees 60,000 in a bank for 2 years. If the interest is 8% per annum compounded annually, what amount will she receive at the end of 2 years? How would we start? So 60,000 agar bank mein 2 years ke liye deposit kiye gaye aur interest at 8% per annum hai, compounded annually ho raha hai. So end of 2 years mein kitna amount Mrs. Sharma receive karengi. So let's start. First we write for first year. First year ke liye sabse pehle calculate karenge. यहाँ पर बहुत ध्यान से हर चीज देखनी है. जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब जितना डिपॉजिट किया है, अमाउंट नहीं बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे, उसको पी वन लेंगे फर्स्ट ईयर के लिए, जो कि है रुपीस कितना 60,000. रेट कितना है 8% पर एनम. एंड टाइम कितना है 1 ईयर, एक एक साल का लेंगे. ये तीनों चीजें हमें गिवन है. नाउ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. वैल्यूज पुट कर देंगे हम. रुपीस कितना 60,000 इंटू रेट कितना 8 इंटू टाइम कितना है 1 अपॉन 100. सॉल्व किया 600 इंटू 8 आ जाएगा 4800. ये हो गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट. नेक्स्ट फॉर सेकेंड ईयर पी टू प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा. पी वन जो पहले प्रिंसिपल था प्लस इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर का है, तो प्रिंसिपल कितना था हमारा रुपीज 60,000 प्लस इंटरेस्ट कितना था 4,800.
तो ये हो गया कितना, 64,800। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। सेकंड ईयर के लिए रेट सेम रहेगा 8% पर एनम, एंड टाइम कितना रहेगा, 1 ईयर। अब इंटरेस्ट सेकंड ईयर के लिए निकालेंगे, इंटरेस्ट ये हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, विच वुड बी इक्वल टू रुपीज 64,800, 64,800। रेट 8%, टाइम 1, एंड 100। इसको सॉल्व किया, सिक्स फोर्टी एट इंटू एट रुपीज 5,184। अब क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रुपीज 4,800 प्लस 5,184, कितना आ जाएगा, रुपीज 9,984। होप दिस मच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज क्लियर। अब हमें अमाउंट पूछा गया है कि कितना अमाउंट मिसेस शर्मा विल रिसीव एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। सो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था हमारा, 60,000, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आया, टोटल टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पर अभी सॉल्व किया है वो हो जाएगा हमारा 9,984। सो कितना हो जाएगा, रुपीज 69,984। सो वी विल राइट, देयरफॉर मिसेस शर्मा विल रिसीव रुपीज 69,984 एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। होप द क्वेश्चन इज क्लियर। हैव अ फुल ग्लैंस वंस अगेन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन डन सो फार। फर्स्ट ईयर का पहले हमने निकाला, पहले प्रिंसिपल देखा, रेट देखा, टाइम देखा, फिर फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट किया इंटरेस्ट। सेकंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फिर अगेन फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट किया, फिर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 1 फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट 2 फॉर सेकेंड ईयर, एंड अमाउंट हमसे पूछा गया था, तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आंसर आ जाएगा। लेट्स गो फर्दर, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज, मिसेस नायर डिपॉजिटेड रुपीज 1,40,000 इन अ चिट फंड कंपनी फॉर 3 ईयर्स। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच इंटरेस्ट विल मिस्टर नायर रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। यहाँ हमें 3 ईयर्स का निकालना है, सो जस्ट बी केयरफुल कि चिट फंड कंपनी में 1,40,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, डिपॉजिट किए हैं 3 ईयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, तो कितना इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स मिसेज नायर रिसीव करेंगे।
So same process will be followed for first year. प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारा? 1,40,000. रेट क्या है? 14% पर एनम. एंड टाइम क्या है? 1 ईयर. सो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? P इंटू R इंटू T अपॉन 100 मीन्स रुपीज 1,40,000 इंटू 14 इंटू 1/100. कैंसिल किया 100 से 100. सो 1,1400, 14 मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 5,600 क्रॉस 1,400, 19,600. सो रुपीज 19,600 फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा. क्लियर है? इफ एनी टाइप ऑफ डाउट इज देयर, फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स बाय कॉमेंटिंग इन द कॉमेंट बॉक्स. तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया 19,600. अब सेकेंड ईयर का हम कैलकुलेट करेंगे. फॉर सेकेंड ईयर अब हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? मीन्स पी टू क्या हो जाएगा हमारा? पी वन प्लस इंटरेस्ट वन. फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पी वन था 1,40,000 प्लस इंटरेस्ट कितना था? 19,600. तो टोटल कितना हो जाएगा? रुपीज 1,59,600. रेट गिवन है 14% पर एनम. एंड टाइम है कितना? 1 ईयर. अब इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर निकाल लेंगे. पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 मीन्स रुपीज 1,59,600 इंटू 14 इंटू 1/100. 100 से 100 किया, 1,596 को 14 से मल्टीप्लाई किया, आ जाएगा 4,836 इंटू 1,596. ऐड कर देंगे 22,344. सो ये हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा. क्लियर है? लेट्स मूव फर्दर नाउ. अब थर्ड ईयर का, क्योंकि 3 साल का निकालना है, फॉर थर्ड ईयर पी थ्री क्या हो जाएगा? पी टू यानी कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर का ही, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट. सो रुपीज 1,59,600 प्लस 22,344. सो कितना आ जाएगा? 1,81,944. ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा. रेट है 14% पर एनम. एंड टाइम है हमारा 1 ईयर. सो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जो हो जाएगा रुपीज 1,89,000, 81,000, नॉट 89, 81,944 इंटू 14 इंटू 1/100. सो वन एट 1.944 इंटू 14 इंटू 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25,472.16. तो ये हमारा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो. सो लेट्स मूव फर्दर.
सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा अब हमारा 3 साल का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर एंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना था हमारा, ₹19,600, प्लस इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना था, ₹22,344, और इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना था, 25,472.16. तीनों का टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹67,416.16. यही हमसे पूछा गया था कि मिस्टर नायर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर 3 ईयर्स. सो वी विल राइट मिस्टर नायर विल रिसीव ₹67,416.16 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स. सो इट इज क्वेश्चन नंबर टू. सो इट वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर वन एंड टू. इन माई फर्दर वीडियोज आई विल बी सॉल्विंग मोर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. सो इफ यू गाइज लाइक माई वीडियोज और इट इज समवेयर हेल्पफुल टू यू, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियोज एज मच एज पॉसिबल. एंड वन मोर थिंग, प्लीज सब्सक्राइब एज सब्सक्रिप्शन रेट ऑफ माई चैनल इज वेरी लो. सो इफ यू वॉच द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. इट टेक्स ओनली हार्डली 1 सेकेंड टू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज डू सो. इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज एंड गिविंग यू मोर सोल्यूशंस ऑफ द वीडियोज एंड पिकिंग मोर चैप्टर्स फॉर सॉल्विंग फर्दर. सो थैंक यू सो मच.